गंगा यमुना के तट पर बैठकर साधना कर रही है। तब साधना कर रही है रति, भगवान से कह रही है, अभी तक रति देवाधिदेव महादेव को ढूंढ रही थी, अब देवाधिदेव महादेव रति को ढूंढ रहे। रति आई प्रगट, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। रति क्या चाहिए तुझको? बस मेरा पति मुझको दे दो। तेरा पति तो भस्म हो गया पर तू मांग रही है, तप करा है तूने प्रयागराज की धरा पर, तुझे वर देता हूं तेरा पति अनंग के रूप में मिलेगा, बाद में वही भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। रति और कुछ तुझे चाहिए हो तो मांग। रति कहती है, बाबा जैसे आपने इस प्रयागराज की धरा पर मुझे वर दिया है, मैं चाहती हूँ आप इस प्रयागराज की धरा पर सदा के लिए विराजमान हो जाओ। शिव जी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। रति की मनोकामना भगवान शंकर ने कामदेव को देकर पूरी करी, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव हो गया। ये मन कामेश्वर महादेव जो प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं, वो रति ने यहां बैठकर तप कर शिव को बुलाया था अपनी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए। गए हो कभी मन कामेश्वर? कभी मौका मिले तो अवश्य दर्शन करें प्रयागराज।